अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय आशीष टेक स्किल्स ATS रीवा, नंबर वन कोडिंग इंस्टीट्यूट इन रीवा, एड्रेस फर्स्ट फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा के एक और बेटे ने इतिहास रचा और रीवा का मान बढ़ाया है। आपको बता दें, खुटेही सिविल सर्विस विश्वविद्यालय रोड निवासी अनुकूल पांडे ने 28 साल की उम्र में छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस परीक्षा पास कर इतिहास रच दिया है। अनुकूल पांडे ने पहली बार छत्तीसगढ़ PSC की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में सफलता हासिल करते हुए महिला बाल विकास अधिकारी के पद पर चयन पाया है। जानकारी के मुताबिक अनुकूल पांडे ने अपनी मेहनत और लगन से साल 2021 में आयोजित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में महिला बाल विकास अधिकारी के लिए चयनित हुए हैं, जिसको लेकर परिवार और पूरे शहरवासियों में खुशी की लहर है। अनुकूल को इस परीक्षा में ऑल इंडिया में 28वीं रैंक हासिल हुई है। इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद अनुकूल पांडे को शहर से लेकर गाँव वालों के साथ साथ समाज के लोगों का भी बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। खुटेही सिविल लाइन विश्वविद्यालय रोड निवासी अनुकूल पांडे ने बताया कि बचपन से ही उन्हें सिविल सर्विस में जाने की इच्छा थी। इसने स्कूली शिक्षा में भी अव्वल रहने के साथ कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए पढ़ाई शुरू की है और पहले ही प्रयास में 2021 में हुए CGPSC की परीक्षा पास कर महिला बाल विकास अधिकारी के लिए चयनित हुए हैं। वहीं इस उपलब्धि के लिए अनुकूल ने अपने माता पिता और बुआ को श्रेय दिया है। वहीं अनुकूल के पिता सूर्य प्रसाद पांडे ने बताया कि अनुकूल की प्रारंभिक शिक्षा बाल भारती रीवा के स्कूल में संपन्न हुई है, जिसके बाद रीवा में कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर CGPSC परीक्षा में प्री और मेंस के लिए घर पर ही तैयारी की और आखिरकार 2021 की परीक्षा में सफल हुए। उन्होंने यह भी कहा कि समर्पण, निष्ठा और हौसले से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यही वजह है कि उनका लड़का अनुकूल CGPSC परीक्षा को पास करने के लिए पूरे लगन से तैयारी किया और इससे उसे सफलता भी मिली। स्टार्ट करूंगा, ठीक है, चले। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनुकूल पांडे है। अनुकूल जी, अभी आपने छत्तीसगढ़ PSC क्वालीफाई किया है जी, क्या ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? जी, मेरा छत्तीसगढ़ PSC का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, 2021 वाला जो PSC था उसमें। कहाँ से कैसे तैयारी किया था आपने, पूरा थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी, मैंने मतलब स्टार्टिंग में जो प्रिपरेशन था वो UPSC के हिसाब से शुरू किया था। वहाँ पर एक बार दो अटेम्प्ट मैंने दिए, उसके बाद फिर मैं स्टेट PSC की तैयारी करने लगा। तो MPPSC और छत्तीसगढ़ PSC दोनों की तैयारी साथ साथ की। MPPSC में भी 2020 का मेरा फॉरेस्ट सर्विस में इंटरव्यू में अभी कॉल है, उसका इंटरव्यू पेंडिंग है। और इस दौरान मैंने छत्तीसगढ़ का भी एग्ज़ाम दिया, तो वहाँ पर भी मेरा 2020 का जो फॉरेस्ट सर्विस था वो भी क्लियर हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। वहाँ पर रेंजर का मुझे पोस्ट मिला और सिविल सर्विस भी क्लियर हुआ 2021 का। वहाँ पर मुझे 28वीं रैंक आई ऑल ओवर मेरिट में और जिला महिला बाल विकास अधिकारी का पद मिला। सिविल सर्विसेज में रुझान कैसे बढ़ा, मतलब ये इसमें किसका सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आपको किसने दिया, पिताजी या मम्मी या मुझे अपने मिली कहां? मुझे प्रेरणा सिविल सर्विस की मुख्यतः घर से ही मिली, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे पिताजी और मेरी बुआ दोनों ही सिविल सर्विस में हैं। बुआ मेरी छत्तीसगढ़ में ही वित्त सेवा अधिकारी हैं तथा पिताजी रीवा जिले में DPO के रूप में पदस्थ हैं। साथ ही माताजी भी मेरी LLB और MA से ग्रेजुएट हैं, तो उन्होंने भी मोटिवेट शुरू से किया। इंजीनियरिंग के दौरान मैंने एक बार मन बनाया कि शायद मैं कैंपस प्लेसमेंट में जाऊँ कॉर्पोरेट सर्विस के लिए, मगर पिताजी माताजी दोनों ने ही बोला कि नहीं, आप सरकारी सर्विसेज की ही तैयारी कीजिए, PSC की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप कर लेंगे। तो इसके लिए आपने कोचिंग वगैरह कहाँ से किया था? मैंने स्टेट PSC का तो पूरा कोचिंग खुद से ही किया है, मतलब कोई भी मतलब कोचिंग नहीं लिया, सेल्फ स्टडी पूरा लिया। सिर्फ इंटरव्यू के समय ज़रूर एक अर्जुना क्लासेज हैं बिलासपुर में, वहाँ पर मैं मॉक इंटरव्यू दिए थे। बाकी पूरी कोचिंग मैं मतलब स्टडीज़ खुद से की, नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर किए, कुछ नोट्स मार्केट से लिए। बाकी आज के समय में काफ़ी बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, अनेक अटेम्प्ट देते हैं, नहीं होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका हुआ है, तो लोगों को मोटिवेशन के तौर पे क्या कहना चाहेंगे, कैसे किस स्तर से पढ़ाई करनी चाहिए कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं हो रहा है तो दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में उनका हो सकता है? मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें किताबों से दोस्ती करनी होगी और अपना जो दिन का मेन टाइम, अगर हम अपने जो सोने खाने और अन्य समय को हटा दें तो आपके जो 10-12 घंटे बचते हैं उसको आप
पूरी तरीके से स्टडीज़ में लगाइए। और सबसे ज़रूरी जो कीवर्ड है प्रिपरेशन का, वो है पेशेंस। हो सकता है आपको एक बार में सफलता ना मिले, लेकिन उसमें हार मानने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल 3 साल आप दीजिए। मैं भी लगातार प्रिपरेशन करता रहा, 3 से 4 साल में मुझे ये सफलता मिली। इस दौरान कोविड की वजह से एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हुए और कुछ अन्य कारण भी रहे, लेकिन अंततः मैंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार मेहनत करता रहा। और यही मुख्य कुंजी है सफलता की, कि हम पेशेंस बना के रखें और लगातार हार्डवर्क करें, क्योंकि हार्डवर्क का कोई भी एक्सक्यूज़ और दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं। आपने बताया पिताजी गवर्नमेंट जॉब में हैं, माँ लॉयर है, और जैसे बच्चों को सफलता में सबसे ज़्यादा माता पिता का सहयोग होता है, तो ये लोग जॉब कर रहे थे, तो कैसे, क्या मतलब किस स्तर से सारी चीज़ें हुई कि आप यहाँ तक फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुँच गए? मतलब घर में पढ़ाई का माहौल रहता था, हम लोगों को पढ़ाई के लिए फुल छूट थी। बाकी कामों में अगर घर वाले कुछ बोलते भी हैं कि ये मत करो, लेकिन पढ़ाई के लिए उन्होंने कभी भी हमेशा ऐसा घर का माहौल रखा कि सिर्फ पढ़ाई का माहौल। मतलब अगर कोई मेहमान भी आ रहे हैं तो हम लोगों को उनसे नहीं मिलवाते थे कि तुम लोग अपना पढ़ाई में व्यस्त रखो, कहीं जाना हुआ गाँव कहीं पारिवारिक फंक्शन में, तो हम लोगों को बोलते थे तुम घर में रहो। और हमेशा घर में पढ़ाई की बातें और किसी दूसरे तरह की बातें नहीं, किसी भी तरह का मतलब सिर्फ पढ़ाई का माहौल। और क्योंकि पापा खुद भी कोचिंग पढ़ाते हैं लॉ की, तो हमेशा ही मतलब घर में लोग भी जो मिलने आते थे पापा के स्टूडेंट्स, तो सब मोटिवेट करते थे, तो हमेशा एक अंदर से उम्मीद ये था कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। बस सफलता का श्रेय आप किसको देते हो सबसे ज़्यादा? किसको सबसे ज़्यादा सफलता का? तो अपनी मतलब मम्मी को, पापा को और बुआ और मेरा छोटा भाई, ये 4 लोग हैं जो मतलब 4 पिलर्स हैं मेरे सफलता के। जी क्या नाम है आपका? सूर्य प्रसाद पांडे। सूर्य प्रसाद जी, आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है छत्तीसगढ़ पीएससी में जी, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रही है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, उसकी तैयारी कैसा, मोटिवेशन कैसा आपने दिया था, थोड़ा विस्तार से बताइए आप। हमारा मोटिवेशन यही था कि मतलब तैयारी करते रहो, मैंने हार नहीं मानना है, कभी ना कभी सिलेक्शन तो होगा ही, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया, ये बड़ी सौभाग्य की बात थी। बच्चे की जो स्टार्टिंग की जो शिक्षा थी, शिक्षा जो हुई है, वो कहाँ से हुई है? तो बाल भारती, यहाँ कक्षा 1 से 12 तक बाल भारती ने, बाल भारती जो सिरमौर चौराहा है उसमें पढ़ाई की है, CBSE से। रुझान उसी तरफ था कि आपने इनको एक मोटिवेट किया? इनका रुझान तो ये तो पहले कोटा में उसके लिए तैयारी करने गए थे IIT की, तो NIT में इनका सिलेक्शन हुआ, तो मैनिट मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनिट भोपाल में इन्होंने इंजीनियरिंग किया, सिविल बीटेक सिविल। लेकिन उसी इंजीनियरिंग के दौरान ही इनका जो मोटिवेशन जो है सिविल सर्विस और हुआ है आपके? हाँ, हमारे छोटे, हाँ छोटा बेटा जो है अनुकरण पांडे, उसका साथ अभी जो है अभी अप्रैल में 8 अप्रैल को उसका भी सिलेक्शन हुआ, प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में PO के पद पर। जॉब में रह करके इस तरीके से मोटिवेट बच्चों को करना, आज के समय में लोगों के पास जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं समय पर्याप्त नहीं हो पाता है, जी, फिर भी इस मुकाम तक आप अपने बच्चों को पहुंचाए, घर में पढ़ाई कैसे मोटिवेट, ये एक लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि बच्चों को किस स्तर से डालना चाहिए, कैसे कहना चाहिए कि पढ़ाई करें कि वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं? घर में पढ़ाई का माहौल रहे, मतलब घर का माहौल जो है वो पढ़ाई के अनुकूल बना रहे, तो अपने आप जो है स्थितियाँ जो है बच्चे उस अनुकूल ढल जाते हैं पढ़ाई के, हमको पढ़ना है, उनको ये विकल्प ही न रहे कि हमको और कुछ करना है पढ़ने के अलावा, तो फिर उसी हिसाब से वो अपने आप को प्रिपेयर माने तैयार कर लेते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं। तो कुल मिला के घर के माहौल से ही बहुत कुछ निर्भर करता है, कि घर का माहौल अगर रहेगा अनुकूल तो उसी हिसाब से बच्चे भी अपने आप को तैयार करते हैं। अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय आशीष टेक स्किल्स ATS रीवा, नंबर 1 कोडिंग इंस्टीट्यूट इन रीवा, एड्रेस 1st फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा।